नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज है सैटरडे और मैं हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नए डीआईवाई डीआईवाई के साथ तो आज का हमारा स्टिचिंग स्टिचिंग से रिलेटेड है और से रिलेटेड मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि फोर अमेजिंग आइडिया शेयर करने वाली जो की बहुत ही यूजफुल है आपके बहुत काम में आएंगे इसका बेस्ट पार्ट है की इसमें हमने फेब्रिक के छोटे छोटे पीसेस का यूज किया है तो बहुत ज्यादा फेब्रिक की भी जरूरत नहीं है बनाना भी बहुत सिंपल है क्विकली बनकर रेडी होता है तो ज्यादा टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं होगा अगर आइडिया अच्छा लगता है तो उसके लिए लाइक जरूर कर देना और आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा डी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपके कमेंट का मुझे इंतजार तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने तो अपने की तरफ तो फर्स्ट के लिए यहाँ पर मैंने फेब्रिक को इस तरीके से रेक्टेंगल में कट कर लिया है ये हमारा मेन फेब्रिक है बीच में मैंने बुकरम शीट को इंसर्ट किया है आप इसकी जगह पे राइस बैग ले सकते हो आटा बैग ले सकते हो फोम शीट या बुकरम शीट कुछ भी ले सकते हो और सबसे नीचे बेस के लिए फैब्रिक है तो बेस के लिए भी आप किसी भी टाइप का फैब्रिक ले सकते हो अब इसे मैंने चारों साइड से स्टिच करके सेंटर से भी दो तीन सिलाई कर ली है इस तरीके से ये हमारा रेक्टेंगल पीस आया है अब इसकी जो लेंथ लिया है वो मैंने लिया है 18.5 इंच और ब्रेथ लिया है 15 इंच तो 18.5 पॉइंट फाइव बाई फिफ्टीन इंच का ये हमारा रेक्टेंगल पीस है और अब इस तरीके से फैब्रिक के दो छोटे पीस लिए हैं और इसे इस तरीके से सेट कर लिया है मेन फैब्रिक बीच में बुकरम शीट और सबसे नीचे बेस के लिए फैब्रिक और इसे चारों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है अब इसकी ब्रेथ लिया है मैंने 5 इंच और लेंथ लिया है 4.5 इंच तो 5 बाय 4.5 इंच के ये दो हमारे पीस हैं ये जो बड़ा वाला पीस लिया है ना इसे चारों साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे चारों साइड से स्टिच कर लेना है डबल फोल्ड करते हुए इसी तरीके से जो छोटा वाला फैब्रिक है इसे भी डबल फोल्ड कर लेंगे और चारों साइड से स्टिच कर लेंगे तो मैंने इसे स्टिच करके रेडी कर लिया है अब इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे ये जो छोटे वाले फैब्रिक है ना इसे भी फोल्ड करके मार्क कर लिया है अब मार्क से मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से फैब्रिक को रखना है और इस पर सीधी सिलाई कर लेनी है तो इस तरीके से फैब्रिक मैंने सेट कर लिया है और सीधी सिलाई कर लिया है इस पर अब इसे दूसरे साइड इस तरीके से फैब्रिक को सेट करेंगे और इस पर भी सीधी सिलाई कर लेंगे जब एक तरफ से अटैच हो जाएगा तो दूसरे तरफ भी इसी तरीके से घुमाते हुए सेट करना है और सीधी सिलाई कर लेनी तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है तो दूसरे साइड आएंगे इस तरीके से सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए फैब्रिक को सेट करेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब दूसरे साइड इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक को सेट करेंगे और इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे एक साइड से जब स्टिच हो जाएगा तो दूसरे साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर लें। तो दोनों साइड मैंने इसे स्टिच कर लिया है ये इस तरीके से आ गया है दोनों तरफ आप फ्लैप को हम सेट करेंगे तो इस तरीके से दोनों तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेना है आप चाहो तो ऊपर की तरफ सिलाई कर सकते हो ताकि ये फिक्स हो जाए अब यहाँ पर लिया है मैंने वेलक्रो और इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे दोनों साइड इस तरीके से रखना है और इसे अटैच कर लेना है तो इस तरीके से जहाँ पर आ रहा है ना वहाँ पर मार्क कर लें तो मार्क मैंने कर लिया अब यहाँ पर वेलक्रो को हम अटैच करेंगे वो तो इस तरीके से मार्क के ऊपर रखकर मैंने वेलक्रो को स्टिच कर लिया है और ये हमारा छोटू सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है इस तरीके से इसकी फ्लैप आएगी कोई भी जिप वगैरह का झंझट नहीं है सिंपल है बनाना इसे और इसमें मैंने इस तरीके से सॉक्स को अरेंज करके रखा है इस तरीके से सॉक्स सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इधर उधर बिखरे रहते हैं तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो छोटू सा ऑर्गेनाइज़र है अलमीरा में अच्छे से आ जाएगा और आपके सॉक्स सारे एक जगह मिल जाएंगे इस तरीके से या तो आप इसको सॉक रखने के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से सर्दियों में कैप बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरीके से छोटे छोटे जो आइटम होते हैं वो अलमीरा में इधर उधर बिखरे रहते हैं तो आप इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो ये ऑर्गेनाइजर हमारे काम को बहुत कर देते हैं मैंने आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ इसके शेयर किए हैं और मैं यूज कर रही हूँ अच्छा तो कैसा लगा ये डी आई वाई कॉमेंट करके जरूर बता तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डी आई वाई के लिए भी यहाँ पर मैंने फैब्रिक का एक छोटू सा पीस लिया है और इस तरीके से इसे रेक्टेंगल में कट कर लिया है की लेंथ रखी है 15 इंच और ब्रेथ है 9 इंच तो 15 बाई 9 इंच का ये हमारा रेक्टेंगल पीस है अब यहाँ लिया है मैंने बुकरम शीट और इसे रखा है सबसे नीचे बेस के लिए फैब्रिक लिया है आप चारों साइड से पिन लगा लेंगे ताकि स्टिच करना इजी रहे और इसे चारों साइड से स्टिच करके सेंटर से भी दो तीन सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा बुकरम शीट फिक्स हो जाए तो ये मैंने स्टिच कर लिया है सिंगल फैब्रिक हमारा रेडी हो गया है जितना एक्स्ट्रा था उसे कट कर लिया है अब यहाँ लिया है मैंने ट्रांसपेरेंट शीट इसकी ब्रेथ लिया है 4.5 इंच और लेंथ लिया है 27 इंच तो फोर पॉइंट फाइव बाई ट्वेंटी सेवन इंच का ये हमारा पीस है अब दूसरा जो ट्रांसपेरेंट शीट लिया है इसकी ब्रिथ है फोर इंच और लेंथ लिया है एटीन इंच तो फोर बाई एटीन इंच का ये दूसरा ट्रांसपेरेंट शीट यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिप लिया है लेंथ इसके इक्वल ही लिया है और ब्रिथ लिया है टू इंच अब इसे इस तरीके से रखेंगे दोनों ही स्ट्रिप का मेजरमेंट सेम है इस तरीके से रखना है अब सीधी सिलाई कर लेना है तो इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब दूसरे साइड इसे फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा पीस एक्स्ट्रा लिया था उसे अंदर के साइड फोल्ड किया है Osionfish. और डबल फोल्ड करते हुए इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों ही ट्रांसपेरेंट शीट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए रेडी कर लेना है तो ये मैंने इसे पाइपिंग जैसा अटैच कर लिया है अब तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे सेंटर निकालेंगे तो इस तरीके से मार्क कर लिया है अब दूसरे वाले को भी इस तरीके से 9 इंच पर मेजर करेंगे यानी जो 27 इंच लेंथ लिया था ना उस पर 9 9 इंच पर मार्क कर लिया है अब इसके दो पीस कर लिए हैं टोटल सब हमारे नाइन इंच के पीस इस तरीके से कट हुए हैं अब इनमें से कोई एक ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और उस पर इस तरीके से मैंने स्ट्रिप कट किया है टू इंच इसकी ब्रिथ है और लेंथ इसके इक्वल है इसे भी पाइपिंग जैसा अटैच कर लिया है अब यहाँ पर लिया है मैंने जिप ज़िप को नीचे के साइड रखेंगे और ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर की तरफ दो जिप लिया है इसी तरीके से अरेंज करेंगे और इस पर सीधी सिलाई करके जिप को अटैच कर लेंगे ट्रांसपेरेंट शीट के साथ तो इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर लिया है मैंने रनर और इसे भी इंसर्ट कर लेंगे रनर मैंने इंसर्ट कर लिया है अब दूसरे ट्रांसपेरेंट शीट को लेंगे और जिप के ऊपर इस तरीके से रखना है जिप का जो दूसरा वाला साइड है उस पर भी ट्रांसपेरेंट शीट को इस तरीके से सेट करेंगे और इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे तो इस तरीके से तीन ट्रांसपेरेंट शीट हमारे आज तो दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट शीट को मैंने अटैच कर लिया है अब इसे इस तरीके से सेट करेंगे और इस पर टॉप स्टिच कर लेंगे तो जिप हमारे अच्छे से आ जाएगी अब यहाँ पर एक और ट्रांसपेरेंट शीट लिया है इसे इस तरीके से सेट करेंगे और तीन तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे तो दोनों ही ट्रांसपेरेंट शीट को तीन तरफ से स्टिच करके अटैच कर लेंगे तो ये हमारी इस तरीके से पॉकेट जैसी आ जाएगी अब इसे हम अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तो ये लिया है मैंने मेन फैब्रिक और इस पर चारों साइड से स्टिच करके ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर इस तरीके से एक और फैब्रिक लिया है है छोटू सा फैब्रिक है मार्क मैंने कर लिया है 3.5 इंच की लेंथ रखी है इसे कट कर लेंगे और इसे एक साइड से फोल्ड करना है दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और दोनों फोल्ड को मिलाते हुए इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे तो इसे मैंने स्टिच कर लिया है अब इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे सेंटर पर मार्क किया है और इसे इस तरीके से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे तो ये लूप जैसी हमारी बन जाएगी अब यहाँ पर टू इंच की स्ट्रिप लिया है इसे इस तरीके से रखेंगे ऊपर और नीचे के साइड और इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे अब इसे दूसरे साइड फोल्ड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा था उसे अंदर के साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा था अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग जैसा इसे अटैच कर लेंगे दोनों साइड से इसे इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर जो हैंगिंग के लिए बनाया है ना उसको ऊपर के साइड इस तरीके से ऊपर के साइड रखना है और इस पर सीधी सिलाई कर लेनी तो ये मैंने इस पर सीधी सिलाई कर लिया है अब इसके साइड वाले जो रफ़ एजेस है ना इसको हाइट करना है तो यहाँ पर टू इंच की एक और स्ट्रिप लिया है दोनों तरफ से इस तरीके से रखेंगे स्ट्रिप को और सीधी सिलाई कर लेंगे अब इसे दूसरे साइड डबल फोल्ड करते हुए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर के साइड फ़ोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ इसी तरीके से सीधी सिलाई करके पाइपिंग जैसा अटैच कर लेना है तो चारों साइड पाइपिंग से इसके रफ एजेस को मैंने कवर कर लिया है अब ये इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो आप तो फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने पर इस तरीके से मार्क कर लीजिए जहाँ पर लूप आता है वहाँ पर बटन को अटैच करेंगे तो सुई धागे की हेल्प से अब मैं बटन को स्टिच कर लूँगी तो जिप को ओपन करना है और यहाँ पर बटन को सुई धागे की हेल्प से मैंने स्टिच कर लिया है इससे आप एज अ ट्रैवल पाउच यूज़ कर सकते हो कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो तो कम स्पेस में आपका काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा टूथब्रश वग़ैरह रख सकते हो एज़ अ मेकअप पाउच यूज़ कर सकते हो या आप अगर मेरी तरह स्टिचिंग करते हो तो स्टिचिंग से रिलेटेड आइटम भी इसमें रख सकते हो और हैंग करने का भी ऑप्शन दिया है तो आप हैंग कर सकते हो अलमीरा में या कैरी करना है तो आप इस तरीके से फोल्ड करके कैरी कर सकते हो कम स्पेस में आपका काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा इस तरीके से मल्टीपल पॉकेट के साथ ये रेडी हुआ है आइडिया कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ए की तरफ तो नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरीके से कट करके लिया अब इसकी ब्रेथ लिया है 3.5 इंच और लेंथ लिया है 12 इंच तो 3.5 पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व इंच का ये हमारा छोटो सा पीस है और यहाँ पर मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट शीट इसकी ब्रेथ मैंने रखी है 3.5 इंच और लेंथ लिया है 9 इंच तो 3.5 पॉइंट बाई नाइन इंच की ये हमने ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ किया है ये जो फैब्रिक है इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सीधी सिलाई तो कर, तो कर लेंगे तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब इसे ट्रांसपेरेंट शीट के साथ अटैच करेंगे तो ट्रांसपेरेंट शीट नीचे रहेगी फ़ैब्रिक ऊपर रहेगा और इस पर सीधी सिलाई करके इसे ट्रांसपेरेंट शीट के साथ अटैच कर लेंगे ये मैंने इसे अटैच कर लिया है और अब इस तरीके से मैं यहाँ पर रिमोट का कवर बना रही हूँ तो रिमोट रखेंगे आपका रिमोट जिस भी साइज़ का है आप इस तरीके से मेज़र कर लीजिए ट्रांसपेरेंट शीट को ऊपर की तरफ किया जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट कर लिया है अब इसे मेज़र कैसे करेंगे इतना मेज़र करना है जो लास्ट वाली बटन है ना वहाँ तक का ट्रांसपेरेंट शीट आनी चाहिए अब ये जो फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर लेंगे तो आप देख लीजिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ ये मैंने कट कर लिया है अब जो कट किया है ना उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये मैंने इस पर सीधी सिलाई कर ली है अब इसे भी ट्रांसपेरेंट शीट के साथ अटैच करेंगे ये हमारा ट्रांसपेरेंट शीट के साथ अटैच हो जाएगा आप एक बार रिमोट रख के इसे वापस से मेज़र कर लेते हैं इस तरीके से इसकी फ्लैप आएगी और आप देख लीजिए बटन के नीचे से ये आना चाहिए जो हमने छोटा वाला फैब्रिक अटैच किया ना वो बटन के नीचे से आना चाहिए अब जो अटैच किया है उसका एंड पोर्शन जो है ना उसको भी इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है तो टोटल अभी तक का तीन फोल्ड किए हैं इस तरीके से अब ये जो लास्ट वाला है ना इसे अभी फोल्ड नहीं किया है यहाँ पर मैंने स्ट्रिप लिया है इसकी ब्रेथ रखी है टू इंच और लेंथ इसके इक्वल ही लेना है इसे इस तरीके से सेट करेंगे और इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे ये मैंने सीधी सिलाई कर लिया है अब इसे दूसरे साइड फोल्ड करेंगे जितना एक्स्ट्रा है उसे अंदर के साइड फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग जैसा इसे अटैच कर लेंगे तो दोनों तरफ से इसे इस तरीके से पाइपिंग जैसा अटैच कर लिया है मैंने अब ये जो एंड वाला पोर्शन है ना उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको इसे फोल्ड करना है मैंने इसे फोल्ड कर लिया है आप रिमोट को इस तरीके से रखेंगे और ये जो फ्लैप आई है ना नीचे वाली इसे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए हमें स्टिच करना है पहले स्टिच करें इससे पहले हम यहाँ पर वेलक्रो लगा लेंगे तो जहाँ पर वेलक्रो आ रही है मार्क कर लिया है अब इसे चारों साइड से स्टिच करके अटैच कर लेंगे तो वेलक्रो मैंने अटैच कर लिया है इसे इस तरीके से रिमोट रखेंगे और इस तरीके से पहले देख लेंगे ओवरलैप कर रहा है और ये क्लोज हो रहा है इस तरीके से अब इसे ओपन कर लेंगे और जहाँ तक का ये आया है वहाँ तक का हमें इसे स्टिच करना है तो रिमोट को मैंने हटा लिया है और इस तरीके से इसे रखेंगे अब इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इस तरीके से इजी वे में हमने रिमोट का कवर रेडी कर लिया है इस तरीके से इसकी फ्लैप आएगी वेलक्रो के साथ ये बनकर रेडी हुआ है आइडिया कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ए की तरफ तो नेक्स्ट ई के लिए यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर पीस लिया है छोटा सा फैब्रिक है इसकी लेंथ और ब्रेथ रखी है 12 बाई 12 इंच का ये हमारा स्क्वायर पीस है अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है दूसरा फोल्ड किया है और इस पर भी कट करके सेंटर इसका निकाल लिया है अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिप लिया है आप देख सकते हो ये पता नहीं कहाँ मेरे से मिस हो गया स्ट्रिप का मेजरमेंट मैंने रखा है ब्रेथ लिया है फाइव इंच और लेंथ इसके इक्वल ही लेना है जितना कुछ एक्स्ट्रा रहेगा जब हम स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से तो जो एक्स्ट्रा रहेगा ना उसे कट कर लेंगे अब दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ रखना है और इस पर सीधी सिलाई कर लेनी है तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब जब इसे पलटेंगे इस तरीके से ना तो राइट साइड आ जाएगा इसका जितना एक्स्ट्रा है उसे चारों साइड से ट्रिम कर लिए मैंने इसे ट्रिम कर लिया है अब ऊपर के साइड थोड़ा सा फैब्रिक हमें बड़ा ही लेना है लेंथ में और ब्रथ इसकी फाइव इंच ही रखी है इस तरीके से रखेंगे और इस पर सीधी सिलाई करके इसे भी अटैच कर लेंगे तो ये मैंने इसे अटैच कर लिया है आपको ध्यान देना है सेंटर से सेंटर को मैच करते हुए यानी जो कट लगाया है ना उससे मैच करते हुए हमें इसे रखना है और ये जो स्ट्रिप है ना इसको भी सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेना है तो इसका भी सेंटर आ जाएगा तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर बेस के लिए फैब्रिक लिया है इस पर मेन फैब्रिक को सेट करेंगे तो पिन लगा लिया है अब इसे अंदर के साइड चारों तरफ से स्टिच कर लेना है पहली सिलाई हमें अंदर के साइड करना है अब जो मार्क किया है ना इतने पोर्शन को छोड़ देना है यहाँ से हम फिलिंग करेंगे और बाकी बचे हुए पार्ट पर हमें सिलाई कर लेनी है तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये जो फ़िलिंग के लिए छोड़ा था ना इस तरीके से इस पर आप कॉटन फिल कर सकते हो कतरन फिल कर सकते हो तो जो भी मर्जी हो आप फिल कर लीजिए तो ये मैंने कॉटन को फिल कर लिया है अब जितना ओपन पार्ट था ना इसे क्लोज कर लेंगे तो इस तरीके से फैब्रिक को सेट करेंगे और इस पर सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है अब ये जो साइड वाला पार्ट है ना जितने पार्ट पर मार्क कर रहे हैं उतने पार्ट को छोड़ना है और बाकी को स्टिच कर लेना है और ये काम हमें चारों साइड से करना है तो चारों साइड से मैं मार्क कर लूंगी उतने पार्ट को छोड़ देंगे ताकि हम इसमें कॉटन फिल कर सकें और बाकी को स्टिच कर लेंगे चारों साइड से इसी तरीके से छोड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है स्टिच कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया था लगभग तीन इंच का इस तरीके से गैप दिया है यहाँ से हम कॉटन फिल कर लेंगे तो अब मैं कॉटन अच्छे से फिल कर लूँगी आप स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो ताकि कॉर्नर पर आ जाए या फिर आप स्केल का यूज कर सकते हो कॉर्नर पर अच्छे से कॉटन हमारा फिल हो जाए अब इस तरीके से फैब्रिक को सेट करेंगे और इसे क्लोज कर लेंगे चारों साइड से फैब्रिक को इसी तरीके से सेट करते हुए जितना ओपन पार्ट है ना उसे क्लोज कर लेना है तो मैंने इसे क्लोज कर लिया है अब यहाँ पर थ्री इंच की स्ट्रिप लिया है और उसे इस तरीके से रख कर सीधी सिलाई कर लिया है इस तरीके से इसके जितने भी रफ एजेस है ना सब अंदर आ जाएंगे अब जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ना उसे अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और पाइपिंग जैसा इसे अटैच कर लेंगे तो चारों साइड से इसे इसी तरीके से पाइपिंग से इसे कंप्लीट कर लेना पाइपिंग भी मैंने लगा लिया है और ये हमारी इस तरीके से क्वेश्चन रेडी हो गया है आप इसे कार की सीट में रख सकते हो चेयर में रख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल है मैंने पहले भी इस टाइप का आइडिया आपके साथ शेयर किया था बट वो गद्दी मैंने दूसरे टाइप से बनाई थी देख सकते हो इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ये इस टाइप से मैंने ऑनलाइन देखा था मुझे बहुत पसंद आया तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए बनाना भी बहुत ईजी है बड़े साइज का बना है तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना तो दोस्तों ये रहे आज के सारे डीआईवाई आपको कौन सा डीआईवाई सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलती हूँ आपसे ट्यूसडे को तब तक के लिए बाय बाय